फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े आप सभी साथियों को नमस्कार। आप भलीभांति परिचित हैं कि इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रतिबद्धता आपको पता होनी चाहिए और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके सुझाव, आपकी शंका आशंका, इसका पूरा पता सरकार को भी होना चाहिए। 21वीं सदी में हमें देश को जिस गति से आगे ले जाना है उसमें आपका सक्रिय योगदान, प्रोएक्टिव, मैं समझता हूं यह बहुत ही आवश्यक है और इसलिए आज की ये बातचीत मेरी दृष्टि से दुनिया की जो स्थिति है उसका फायदा उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है, कोई इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की वित्तीय व्यवस्था चलती ही अगर किसी एक बात पर वो टिकी हुई है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का और विश्वास देश के विकास का। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को स्वाभाविक से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और बदलना हम लोगों के लिए भी अनिवार्य हो चुका है। 10-12 साल पहले एग्रेसिव लैंडिंग के नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, ये आप अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कल्चर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। आज एनपीएस को कारपेट के नीचे दबाने के बजाय, उसे यहां वहां दिखाकर बचने के बजाय एक दिन का एनपीए भी रिपोर्ट करना जरूरी कर दिया है। साथियों, सरकार ये भली भांति समझती है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। सरकार इस बात को भी मानती है कि हर बिजनेस सफल हो और जैसा चाहे वैसा ही परिणाम दे, ये संभव नहीं है। हम भी कभी सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरे परिवार का सदस्य ये बनेगा, नहीं बन पाता है। कौन चाहता है कि अपना बेटा न करे,
फिर भी कभी कभी नहीं होता है। तो ये बातें सरकार समझती है और ये संभव नहीं है। और हर बिजनेस डिसीजन के पीछे खराब नीयत है, बद इरादा है, स्वार्थ है, ऐसी धारणा कम से कम हमारी सरकार की नहीं है। ऐसे में सही नीयत के साथ लिए गए फैसलों के साथ खड़े होना सरकार का दायित्व है और ये हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं फाइनेंशियल सेक्टर के सब लोगों को कहना चाहता हूं, सही नीयत से, सही इरादे से किए गए काम आपके साथ खड़ा रहने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। ये आप लिख करके रखिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे मैकेनिज्म से आज लेंडर्स और बोरोवर्स को भरोसा मिला है। साथियों, सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सारी बातें हमारी प्राथमिकता है। बीते सालों में जितने भी रिफॉर्म्स हर सेक्टर में किए गए हैं, ये सारे लक्ष्य उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सबसे बड़ा डिजिटल इंक्लूजन हो, डायरेक्ट बेनिफिट का इतना बड़ा मैकेनिज्म हो, या फिर छोटे बैंकों का मर्जर, कोशिश सिर्फ यही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर सुदृढ़ हो, वाइब्रेंट हो, प्रोएक्टिव हो। इस बजट में भी आप देखते हैं तो आपने इस विजन को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है, आपको नजर आता होगा। साथियों, इस वर्ष हमने नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी घोषित की है। इस पॉलिसी में फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है। हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इस बजट में भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। दो पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण हो, बीमा में एफडीआई को 74% तक करना हो, या एलआईसी का आईपीओ लाने का फैसला हो, ये ऐसे ही कुछ कदम है। साथियों, हमारा ये लगातार प्रयास है कि जहां संभव हो वहां प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर की भी एक प्रभावी भागीदारी अभी देश की बहुत जरूरत है। गरीबों और वंचितों के संरक्षण देने के लिए यह बहुत आवश्यक है। पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक नया एआरसी स्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है जो बैंकों के एनपीएस का ध्यान रखेगा। ये एआरसी इन लोन्स को फिर फोकस तरीके से एड्रेस करता रहेगा। इससे पब्लिक सेक्टर बैंक मजबूत होंगे और उनकी लेंडिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। साथियों, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए एक नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स को देखते हुए एक कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए जा सके इसके लिए कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए नई बैकस्टॉप फैसिलिटीज में भी दी जा रही है। साथियों, इसी भावना को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बड़े उद्योगों
या बड़े शहरों से नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत गांवों में, छोटे शहरों में, छोटे छोटे उद्यमियों के, सामान्य भारतीयों के परिश्रम के योगदान का उसमें बहुत महत्व है। आत्मनिर्भर भारत किसानों से, कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत हमारे एमएसएमई से बनेगा, हमारे स्टार्टअप से बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी पहचान हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एमएसएमई होंगे। इसलिए कोरोना काल में एमएसएमई के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। इनका लाभ उठाते हुए करीब 90 लाख उद्यमों को 2.4 ट्रिलियन रुपए का क्रेडिट मिल चुका है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, इन तक क्रेडिट फ्लो का विस्तार करना आप भी आवश्यक समझते हैं। सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स करके इनके लिए कृषि, कोयला और स्पेस जैसे अनेक सेक्टरों को खोल दिया है। अब ये देश के फाइनेंशियल सेक्टर की जिम्मेदारी है कि गांवों और छोटे शहरों में पल रही इन आकांक्षाओं की पहचान करके उनको आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनाएं। साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बड़ी हो रही है, तेजी से बढ़ने लगी है, तो क्रेडिट फ्लो भी उतना ही जरूरी हो गया है। आपको ये देखना है कि नए सेक्टर्स, नए उद्यमियों तक क्रेडिट कैसे पहुंचे, नए स्टार्टअप और फिनटेक के लिए आप नए और बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट तैयार करने पर फोकस करें। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स आज बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस सेक्टर में हर संभावनाओं एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोरोना काल में भी जितनी स्टार्टअप डील्स हुई हैं, उनमें हमारे फिनटेक की हिस्सेदारी बहुत अधिक रही है। जानकार बताते हैं कि इस वर्ष भी ये मोमेंटम बना रहेगा, इसलिए आपको भी इसमें नई संभावनाएं तलाश करनी है। इसी तरह जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, उसको यूनिवर्सल बनाने में आपकी भूमिका क्या होगी, इस पर विचार करें। इससे जुड़े बेहतर सुझाव और समाधान इस वेबिनार से निकलेंगे, क्योंकि आपका एक क्षेत्र में गहरा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि आप आज खुलकर के अपने विचार रखेंगे। और मेरा पक्का विश्वास है कि आज के मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो आत्मनिर्भर भारत के भी काम आएगा, जन कल्याण के कामों के लिए भी आएगा और आत्मविश्वास को गहरा करने के लिए भी काम आएगा। साथियों, बीते वर्षों में टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल ने, नई व्यवस्थाओं के निर्माण ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज देश में 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड, 41 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के पास जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% जनधन खाते महिलाओं के हैं और इनमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा है। कोरोना काल में भी इन जनधन खातों के कारण लाखों बहनों को सीधी मदद तेजी से देना संभव हो पाया है। आज यूपीआई से हर महीने एवरेज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हो रहा है और रुपए कार्ड की संख्या भी 60 करोड़ पहुंच चुकी है। आधार की मदद से इंस्टेंट ऑथेंटिफिकेशन, इंडिया पोस्ट बैंक का विशाल नेटवर्क, लाखों कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण ने फाइनेंशियल सर्विसेज को देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा दिया है। आज देश में 2 लाख से ज्यादा बैंक मित्र आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एपीएस डिवाइस की मदद से
गांवों में लोगों के घर तक बैंकिंग सेवा को लेकर पहुंच रहे हैं। 1.25 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज भी इसमें मदद कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल अप्रैल से लेकर जून के बीच इन बैंक मित्रों ने अपने एईपी डिवाइस से 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन करने में ग्रामीणों की मदद की है। और हमें यह याद रखना है कि कोरोना का वो समय था जब भारत में लॉकडाउन था। साथियों, आज भारत गर्व कर सकता है कि देश का करीब करीब हर वर्ग किसी न किसी रूप से देश के फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड हो चुका है। देश अब दशकों के फाइनेंशियल एक्सक्लूजन से मजबूत हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका मंत्र फाइनेंशियल सेक्टर में स्पष्ट दिखता है। आज गरीब हो, किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, छोटे दुकान हो, सबके लिए क्रेडिट एक्सेस संभव हो पाया है। मुद्रा योजना से ही बीते सालों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण छोटे उद्यमियों तक पहुंचा है। इसमें भी लगभग 70% महिलाएं हैं और 50% से ज्यादा दलित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के उद्यमी हैं। पीएम किसान स्वनिधि योजना से अब तक करीब 11 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद पहुंच चुकी है। कुछ महीने पहले ही हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इस वर्ग का पहली बार देश के फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन किया गया है। इसके तहत करीब 15 लाख रेहड़ी पटरी वालों को अब तक 10,000 रुपये के ऋण दिए जा चुके हैं। ये सिर्फ वन टाइम इंक्लूजन नहीं है, बल्कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भविष्य में उनको एक्सपांड करने में भी मदद करेगी। इसी तरह ट्रेड्स और पीएसबी लोन जैसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से एमएसएमईज को सस्ता ऋण तेजी से मिल पा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा तेजी से इनफॉर्मल लेंडिंग के कुचक्र से छोटे किसान को, पशुपालक को, मछुआरे को बाहर निकाल रही है। साथियों, अब प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं न कहीं विचार करना होगा कि हमारे समाज के इस सेक्शन के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप कैसे निकालते हैं। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर सेक्टर में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका क्रेडिट डिसिप्लिन हमेशा आपने अनुभव किया है बहुत बेहतरीन रहता है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे ग्रुप्स के माध्यम से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तलाश कर सकता है। ये सिर्फ वेलफेयर का मामला नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल भी सिद्ध हो सकता है। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद अब देश फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का फिनटेक मार्केट अगले 5 सालों में 6 ट्रिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। फिनटेक सेक्टर की इसी संभावना को देखते हुए आईएफएससी गिफ्ट सिटी में एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल हब बनाया जा रहा है। भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी सिर्फ हमारी आकांक्षाएं नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता है। इसलिए इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही बोल्ड टारगेट्स रखे गए हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये लक्ष्य
पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त हो सकेगा। साथियों, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत हो इसके लिए अपने बैंकिंग सेक्टर को सशक्त करने के लिए भी सरकार कमिटेड है। अब तक जो बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। मुझे विश्वास है कि रिफॉर्म्स को लेकर और बजट में तय प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपकी तरफ से सार्थक सुझाव मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देश और दुनिया के इस क्षेत्र के महारथी आज पूरा दिवस इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आपकी एक एक बात मेरी सरकार के लिए बहुत मूल्यवान है। आप बिना संकोच आगे के रोड मैप के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपकी कोई कठिनाइयां हो तो हम कैसे दूर कर सकते हैं, आप जिम्मेवारी लेकर के देश को कैसे आगे बढ़ाने में भागीदार बन सकते हैं, इन सारे विषयों को एक एक्शनेबल पॉइंट के साथ, रोड मैप के साथ, टारगेट के साथ और समय सीमा के साथ आज की चर्चा से हम बहुत बड़ा लाभ उठाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ये समय मूल्यवान है, उससे भी मूल्यवान आपके सुझाव है और हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।